इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज हम इंशाल्लाह दिल की सलामती के लिए दुआएं आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि दिल ही तो सब कुछ है अगर दिल दुरुस्त हुआ तो सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा और अगर दिल बिगड़ गया तो हर चीज बिगड़ जाएगी दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी का इंसार दिल की सलामती पर है दिल ही जिंदगी की बुनियाद है दिल ना रहे दिल काम ना करे तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता इसी तरह इंसान की अखलाकी रूहानी ईमानी सेहत का निसार भी दिल की सलामती पर है तो हमें इस सिलसिले में कोशिश के साथ साथ अल्लाह सुबहान तला से दुआ भी करनी चाहिए दुआएं तो आपको बाद में बताएंगे सबसे पहले खुद दुआ मांगने की अहमियत रसूल सल्लाह वसलम ने इब अब्बास से फरमाया था कि अः बेटे तफस अल्लाह जब तुम सवाल करो तो अल्ला ही से करो वह इजस्तान तफस और अगर तुम मदद मांगो तो अल्ला ही से मदद मांगो यानी हर मामले में अपने रब के सामने हाथ फैलाओ उसी से तो रखो उसी पर तवक्कुल करो और उससे मांगते रहो क्योंकि मांगना उसको पसंद है वो मांगने वालों से यानी अल्लाह से जो मांगते हैं उनसे वो मोहब्बत करता है और अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं पुकारना चाहिए इस सिलसिले में, में आता है इन तब फद्रजीबुल तुम साद जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तो तुम्हारे ही तरह के बंदे हैं यानी है उनसे मांगते हो इंसानों से मांगते हो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो जरूरी है कि जब तुम उन्हें पुकारो तो वो तुम्हें उसका जवाब दे खूस मरे हुए लोगों को अगर पुकारा जाए तो वो हमारी पुकार कहाँ से सुन सकते हैं सोया हुआ इंसान हमारी पुकार नहीं सुनता तो फौज शुदा कैसे सुन सकता है इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह के सिवा किसी और से मांगने से दुआ करने से मना कर दिया गया फरमाया बस अल्लाह के साथ किसी और को इलाह ना होता है जिसके पास इंसान अपनी हाजात लेकर जाता है जिससे दुआ करता है जिसके आगे सजदा करता है जिसके नाम पर कुर्बानी करता है जिसको खुश करने के लिए सारे काम करता है भाग दौड़ करता है तो अल्लाह के साथ किसी और को इलाह न पुकारिए, वरना आप भी सजा पाने वालों में से हो जाएंगे। यानी अल्लाह सुबानुताला किसी सूरत में भी शर्म को पसंद नहीं फरमाते और फिर ये भी याद रखिए कि दुआ करने से पहले अल्लाह सुबानुताला की हम्दों सेरा जरूरी है। لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير इस क़लेम को पढ या कोई और हमदोसना के अल्फाज जो भी आपकी च्वाइस के हों क्योंकि हमदोसना तो अल्लाह की मोहब्बत के साथ ही आती है जितनी मोहब्बत ज्यादा होगी उतनी खुशी के साथ आप हाँ अल्लाह की तारीफ करेंगे फिर इसी तरह दरुशरीफ पढ़ना नहीं भूलिए दुरुशरीफ पढ़ने से दस रहमतें आती हैं दुआएं कबूल होती हैं और फिर ये के दीन और दुनिया की हर भलाई अल्लाह तला ही से मांगिए और खूस हमारे आज का जो मौजूद है यानि कल्ब सलीम सलामत दिल इसकी दुआ अल्लाह सुबहान तला से मांगी कि अल्लाह तू मुझे कलब सलीम सलामत दिल अता फरमा क्योंकि क्यामत के दिन इंसान को न माल काम आएगा न बेटे काम आएंगे मगर जो अल्लाह के पास सलामत दिल लेकर आया अल्लाह ताला फरमाते जिस दिन माल और बेटे काम नहीं आएंगे मगर वो जो अल्लाह के पास सलामत दिल लेकर आया क्योंकि अगर दिल दुरुस्त हो तो तमाम जिस्म दुरुस्त तमाम काम दुरुस्त और अगर दिल बिगड़ जाए तो हर चीज बिगड़ जाती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है अगर उसकी असलाह हो गई तो तमाम जिस्म की असलाह हो गई और अगर वो खराब हो जाता है तो सारा जिस्म खराब हो जाता है सुनो वो दिल है और फिर आपने दिल ही की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि अत तकवा हा होना यहाँ पर होता है इन्हीं अल्लाह का डर जो तमाम अगर आप एक दफा अपने दिल को सही रस्ते पर ले भी आए तो कोई गारंटी नहीं कि वो हमेशा सही रहेगा क्योंकि उसके पलटने में कुछ देर नहीं लगती इस बात को हदीस में बहुत अच्छी तरह बयान किया गया है रसूल सल्म ने फरमाया बेशक कल्ब को कल्ब इसलिए कहते हैं कि वो पलटता रहता है और दिल की मिसाल तो उस पर किसी है जो किसी दरख्त के तने के साथ लटका हुआ हो और हवा उसे उलट पुलट करती रहती हो कभी सीधा कभी उल्टा इसलिए सलामत दिल रखना एक बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि इंसान कभी उसमें शको को शुभात आ जाते हैं कभी ख्वाहिशात और शहवात आ जाती है कभी इंसान का ईमान बढ़ने लगता है कभी घटने लगता है तो दिल की हालतें तब्दील होती रहती हैं दुआ ये करनी चाहिए कि हमारी मौत इस हालत में आए कि हमारा दिल अल्लाह के रब होने पर राजी हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर

चंद उन बातों का भी तस्करा कर लेना चाहिए कि जो इंसान के दिल की बीमारियों का सबब बनते हैं जिसमानी बीमारियों के तो बहुत से इसबाब हो सकते हैं लेकिन अमूमन हम रूहानी बीमारियां अखलाकी बीमारियां या दिल के तजकी से मुतक जो बीमारियां हैं उनका जिक्र नहीं करते तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो दिल को बीमार करती हैं उसमें ईमान के बाद कुफर न शुक्री ये दिल की बीमारी का सबब बनती फिर इसी तरह अल्लाह सुबह से ज्यादा औरों का खौफ यानी अल्लाह तब से ज्यादा हम, हम अमूमन अपने कॉन्शियस होते हैं लोग देखते हैं और दिल के बारे में गाफिल होते हैं हालांकि अल्लाह सुबहाना उसको देखते हैं। फिर अल्लाह तला के जिक्र से रूगरदानी दिल को बीमार कर देती है नबी सल्लाम ने फरमाया उस शख्स की मिसाल जो अपने रब को याद करता है और जो अपने रब को याद नहीं करता जिंदा और मुर्दा जैसी है, इतना बड़ा फर्क है फिर इसी तरह मुश्किल की तरफ रजू न करना यह दिल को बीमार कर देता है नमाजें जुमा छोड़ देना फराय से पीछे रहना नबी सल्ला पर चढ़ते हुए फरमा रहे थे लोग जुमा की नमाज छोड़ने से बाज आ जाए वरना अल्लाह उनके दिलों पर मुहर लगा देगा फिर वो गाफिलों में से हो जाएंगे इसी तरह बिला उजर बिना नमाज छोड़ देना आप सलम ने फरमाया, जो शख्स की वजह से गौर विक्र ना करना ये दिलों को बीमार कर देता है इलम से दूरी सीखा हुआ इल्मा देना फिर आयात से नसीहत ना लेना यानी कुरान मजीद पढ़ना तिलावत करना लेकिन उसमें गौर विक्र ना करना और उससे कोई सबक हासिल ना करना फिर सीख कर समझ कर अपनी मर्जी करना और गलत रस्तों पर चलना फिर गलत कामों के भी ऐसे बुरे नतज होते हैं जिनकी वजह से दिल सख्त हो जाते हैं जैसे गुनाह करना दिलों पर गलबा पाने वाला है यानी गुनाह के असरात होते गुनाह दिलों को जंग आलोद कर देते हैं गुनाह से दिलों की रोशनी खत्म हो जाती है रसुल्लाम ने फरमाया जब किसी मुसलमान से कोई गुनाह सरजद होता है तो उसके दिल पर एक स्याह धब्बा पड़ जाता है अगर वो तौबा करे और बाज आ जाए और इस्तिगफार कर ले तो उसका दिल फिर से साफ और रोशन हो जाता है वरना जितने गुनाह बढ़ते जाते हैं उतने ही स्याह धब्बे बढ़ते जाते हैं हत्ता कि उसके दिल पर वो जंग छा जाता है जिसका, जिसका जिक्र अल्लाह व जल्ला ने कुरान में किया है कल्ला बल राना अला कलूब मा कानू य हरगिज़ ये बात नहीं बल्कि उन लोगों के दिलों पर उनके बुरे आवाल का जंग लग गया है। फिर इसी तरह गलत तमन्नाएं यानी हराम चीजों की ख्वाहिश करना ये दिलों को बीमार करने का सबब होता है दुनिया की हद से ज्यादा मोहब्बत और मौत से नफरत और आखिरत से गफलत और सिर्फ और सिर्फ दुनिया के फिक्र करते रहना दुनिया ही के ग पालते रहना ये दिलों को बीमार कर देता है यानी इंसान जब अल्लाह ताला के तकूक में कमी करता है बंदों के हक में कमी करता है बद अखलाकी करता है तो फिर दिलों के ऊपर मैल चढ़ने लगती है दिल स्याह होने लगते हैं और दिल बीमार होने लगते हैं और, है। और कल्ब सलीम से बहुत दूर हो जाते हैं फिर इसी तरह महस अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे तुम्हारे मुतलिक उन गुमराह को उन ख्वाहिशात से सबसे ज्यादा अंदेशा है जिनका ताल्लुक तुम्हारे पेट और तुम्हारी शर्मगाह से होता है और अपनी मर्जी पर चलने की का भी अंदेशा है फिर इसी तरह कलाम और कसरत बहुत खाना बहुत बातें करना ये भी दिलों को सख्त कर देती हैं चीजें फिर जरूरत से ज्यादा सोना ये भी दिल की सख्ती का बायस होता है तो ये चंद एक चीजें हैं जो दिलों को बीमार करने का सबब है हकीकत यह कि हर वो चीज जो अल्लाह को नाराज करने वाली है हाँ उसका ताल्लुक सोच से हो या गुफ्तू से हो या अमल और रवैये से हो ये तमाम तर चीजें इंसान के दिल की खराबी का बायस बनती फिर अल्लाह का जिक्र कसरत से करना अल्लाह उद कर और, और अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करो ताकि तुम फलाह पाओ फिर इसी तरह जबान की असलाह करना बिन मालिक से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी आदमी का ईमान दुरुस्त नहीं होता यहाँ तक कि उसका दिल दुरुस्त हो और उसका दिल दुरुस्त नहीं होता यहां तक कि उसकी ज़बान दुरुस्त हो जाए यानी दिल की होताह का ताल्लुक जबान की असलाह के साथ है अगर एक शख्स जबान से अच्छे अल्फाज अच्छा निकालेगा तो उसका दिल यकीनन अच्छा हो जाएगा फिर इसी तरह शक वाली चीजों को छोड़ना क्योंकि शक इंसान को बेचैन कर देता है दिलों के अंदर इसतराब पैदा कर देता है फिर इसी तरह नेकी और बुराई की पहचान हासिल करना क्योंकि अगर इंसान का दिल नेकी के कामों को नेक समझे और उस पर गवाही दे और बुराई को बुराई समझे तो इससे इंसान का दिल सीधे रस्ते पर चल पड़ता है फिर कसरत से मौत को याद करना क्योंकि मौत की याद दिलों की तस्किया और प्योरिफिकेशन का जरिया बनती है फिर अखलाक बुराइयों से परहेज करना फिर यतीम और मस्किन का ख्याल रखना एक शख्स ने नबी दिल की सख्ती की शिकायत की तो आप वसल्लम ने फरमाया हाथ फेरो कि कि ये दिल को नरम करता है फिर इसी तरह बाज़ुल्लम ने कहा कि दिल की असलाह पांच चीजों के साथ होती नंबर एक गौरव फिक्र करते हुए कुरान मजीद की तिलावत करना नंबर दो पेट को खाली रखना यानी रोज़ा वगैरह रखना नंबर तीन रात का क्याम सहरी के वक्त अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाना क्योंकि रात के उस हिस्से में दुआएं बहुत कबूल होती हैं नंबर चार नेक लोगों की मजलिसों को इख्तियार करना अच्छी सोबत और नंबर पांच हलाल खाना फिर तो इसी तरह गुनाह के बाद फौरन तौबा कर लेना क्योंकि जब इंसान गुनाह करता है तो दिल पर स्याह धब्बा पड़ जाता है और अगर इंसान तोबा कर लेता है तो वो दिल फिर से साफ और रोशन हो जाता है और अब आती है बारी दुआओं की कि इंसान अल्लाह सुबहान तला से कल्ब सलीम मांगता रहे और दिल की असलाह की दुआ करता रहे इस सिलसिले में सबसे बेहतरीन नुस्खा कसरत से इस्तार करना है क्योंकि इंसान जब बख्शिश मांगता अल्लाह ताला से गुनाहों की माफी मांगता है तो दिल रोशन होने लगता है दिल चमकने लगता है क्योंकि दिलों का मैल को चैल उतरने लगता है इस सिलसिले में रसूल सल्लाम ने फरमाया मेरे दिल पर पर्दा सा आ जाता है

बेशक तू बहुत ज्यादा तोबा कबूल करने वाला मेहरबान है फिर इसी तरह कुरानी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को टेढ़ा होने से बचाए रब बना ला तो बना बादजई तनाव लना का रहमा, रहमह का अंतल वहाब ए हमारे रब हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न करना और अपने पास से हमें रहमत अता फरमा बिलाशुबा तू ही सब कुछ हता करने वाला है यानी सारे खजाने तेरे पास हैं तू हमारे दिलों को सीधा रख। क्योंकि अगर दिल सीधा होगा तो बाकी तमाम चीजें भी दुरुस्त हो जाएंगी फिर इसी तरह दिल में नूर पैदा होने की दुआ करना और वो है अल्लाह जालफी कल भी नूरा ए अल्लाह मेरे दिल में नूर पैदा कर दे मेरे दिल में रोशनी पैदा कर दे क्योंकि दिल की भी आंखें होती है अगर दिल की रोशनी हो तो इंसान को अच्छे बुरे का फर्क नजर आने लगता है बाजुकात इंसान बहुत कुछ भी पढ़ लेता है उसके पास बहुत इल्म भी हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि उस इल्म के जरिए दिल की आंखें खोले जब तक कि अल्लाह ताला ना वसीरत अता करे ये बसीरत अल्लाह ताला देता है इसलिए अल्लाह से मांगनी चाहिए फिर इसी तरह दिल की हिदायत की दुआ करना आप अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई अल्लाहलानी वसल मतलबी एल्ला मेरे दिल को रहनुमाई अता फरमा मेरी जबान को दुरुस्तगी अता फरमा और मेरे दिल के कीने को दूर कर दे क्योंकि शिर नफाक हसद बस कीना कदूरत दिलों से निकलेंगे तो ही दिल रोशन होंगे फिर इसी तरह ये भी ज़रूरी है कि इंसान दीन पर दिल की साबित कदमी की दुआ करे

यानी तो ही उनके अंदर अपनी इतात और फर्मा बरदारी का शौक पैदा कर दे क्योंकि अगर दिल किसी काम के करने पर राजी हो जाए तो वो काम करना बहुत आसान हो जाता है के बड़े से बड़े से से काम मुश्किल से मुश्किल कठन और भारी काम भी बहुत मामूली मालूम होते हैं फिर इसी तरह या मुखल बल ثبت फल बी अला दीनिक ए दिलों को उलट पुलट करने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे क्योंकि अगर तीन पर एक दफा दिल ठुक गया इत्मीनान हो गया तो फिर अमल करना कुछ भी मुश्किल ना रहेगा फिर इसके साथ-साथ ऐसे दिल से भी पना मांगी गई कि जो अल्लाह से ना डरता हो जिसके अंदर خشियत ना हो दुआ है اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها मैं तुझसे ऐसे इल्म से पनाह मांगता हूँ जो नफा देने वाला ना हो और ऐसे दिल से जो डरने वाला ना हो और ऐसे नफ्स से जो सैर होने वाला ना हो और ऐसी दुआ से जो कबूल होने वाली ना हो फिर इसी तरह दिल के शर से पनाह मांगने वाली दुआ अल्लाई ओमिन अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ अपने कान की बुराई से और अपनी आँख की बुराई से और अपनी जबान की बुराई से और अपने दिल की बुराई से और अपनी ख्वाहिश की बुराई से फिर दिल को साफ करने की दुआ अल्लाहुम्मा अग़सिल कल्बी बिमा इथलज वल बरद व नक़्क़ि कल्बी मिनल खताया कमा नक़्क़ैता थौबल अबयद वही नया कमाई नगरब एल्ला मेरे दिल को बर्फ और औले के पानी से धो दे और मेरे दिल को खताओं से साफ कर दे जैसे सफेद कपड़े को मैल से साफ किया जाता है और मेरे और मेरी खताओं के दरम्यान इतनी दूरी कर दे जितनी दूरी तूने मशरक़ और मग़रब में रखी है तो अल्लाह तला से दुआ है कि वो हमारे दिलों की इसलाह कर दे वो हमारे दिलों का तस्किया कर दे वो हमें सलामत दिल अदा कर दे ताकि हम दुनिया और आखरत में कामयाब हो सके वो आखिर अनिल आलमीन